विधानसभा के बारे में भी देखेंगे साहब, ये है कि औरंगाबाद की जनता चाहती है कि यहाँ के खासदार के अंदर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद की जनता, मैं कोई राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो आपका जो खासदार, जो खासदार ने इस शहर के अंदर सिर्फ यही काम किया है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मिलता सर, क्या है कि सरप्राइजेस राजनीति के अंदर बहुत आ सकते हैं। 2014 के अंदर जब एमआईएम से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ सेंट्रल से, तो लोगों ने बोले क्या हम 2-5 हजार वोट लेंगे करके, मेहनत कर लेंगे तो 7-8 हजार ले लेंगे करके उसमें। तो अब ये है कि लोगों का जब मन हम भाप रहे हैं, लोगों का मन हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कैंडिडेट अब कोई भी रहो उसमें, ये जनता ने तय कर ली है कि अब ये खासदार की अब छुट्टी करना है। बिल्कुल, मतलब ये है कि एमआईएम का तो नहीं, अभी फिलहाल ये है कि वंचित आघाड़ी और एमआईएम के उसमें कौन किसको सीट छोड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये तय है कि हमारे बहुत औरंगाबाद को देखो, हैदराबाद मजलिस के लिए गढ़ है, महाराष्ट्र के अंदर इंशाल्लाह औरंगाबाद हमारा गढ़ रहेगा। सर अभी कैसा है क्या, अभी कैसा सर के हमने इलेक्शन ये उससे तय करे हुए है कि इलेक्शन सिर्फ लड़ना है बल्कि लड़ना नहीं है, कि जहाँ पर हमारे को ये लगेगा कि मतलब अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर अब हम खुद ही मारेंगे करके, वरना क्या है कि हमारे ऊपर तो मतलब वैसे भी मतलब बहुत चाहने वाले लोग हैं कि देखो अब ये आए हैं तो इनको जीत मिल जाएंगी, इनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अब हम सिर्फ हमारी जीत के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी जीत यकीनी रहेगी वहाँ वहाँ पर है, तो हम हर जगह के ऊपर ये करेंगे। नहीं नहीं, औरंगाबाद तो 100% साहब, औरंगाबाद हमारे एजेंडा के अंदर सबसे टॉप मोस्ट है। मैंने आपको इसीलिए कहा हूँ कि एमआईएम के हिसाब से अगर देखा जाए तो औरंगाबाद को हम अपने टॉप मोस्ट इसके अंदर रख रहे हैं।